नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, टीएमसी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए एक चुनौती है और टीएमसी के लिए एक सुकून है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी, जो कि परिवहन मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में और अभी हाल ही में जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उनको मनाने के प्रयास किए गए हैं और तृणमूल कांग्रेस ने अपने कई प्रमुख नेताओं को इस काम में लगाया था। और ये भी सुनने में आया है कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी सौगत राय और प्रशांत किशोर, जो कि रणनीतिकार हैं ममता बनर्जी के 2021 के चुनावों के लिए, और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिन्हें लेकर शुभेंदु काफ़ी समय से नाराज़ थे और माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये सब लोग मौजूद रहे। और इस मीटिंग में शुभेंदु के साथ जितने भी डिफरेंस थे पार्टी के, वो सभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। और ये बताया जाता है कि शुभेंदु का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि शायद अब शुभेंदु बीजेपी में नहीं जाएंगे। एक बयान में देख रहा हूँ सौगत राय का आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। यह एक मूर्खतापूर्ण आकलन था और मुझे पूरा यकीन है कि प्रशांत किशोर, सुदीप बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जो मीटिंग हुई है उसके पॉजिटिव परिणाम सामने आएंगे। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। शुभेंदु अधिकारी का जो रुतबा है वो लगभग 30-40 विधानसभा सीटों पर बहुत प्रभावी है और ये माना जाता है कि ममता बनर्जी की कोर टीम का वो हिस्सा थे और ममता बनर्जी को इस पोजीशन तक पहुंचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको ये भी बताया था कि शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से ममता बनर्जी के साथ रहे हैं। शुरू से नंदीग्राम का और सिंगूर का जो आंदोलन है किसानों के लिए, जो हुआ था वहाँ पर, जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें शुभेंदु अधिकारी का महत्वपूर्ण रोल था। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और राजनीति के हिसाब से 50-55 साल का आदमी युवा ही होता है और उन्हें युवा कहा जा सकता है। और पिछले कुछ समय से ये आकलन किया जा रहा था कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से प्रमोट कर रही हैं, उसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी नाराज़ थे। और ये जो मेन मीटिंग हुई है, इसमें अभिषेक बनर्जी का मौजूद रहना ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं और शुभेंदु अधिकारी को वो किसी भी स्थिति में खोने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को भी इस मीटिंग के लिए एग्री किया और ये मीटिंग की गई। इसके बाद बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बीजेपी ये सोच रही थी कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ जाएंगे, उन्हें कोई अच्छा पद दे दिया जाएगा और बीजेपी, जो कि इस बार पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, उसकी उम्मीदों को पर लग गए थे शुभेंदु अधिकारी की वजह से। लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी अभी नहीं आते हैं पार्टी में, बीजेपी में, तो इसका नुकसान बीजेपी देख रही है फिलहाल। लेकिन दूसरी ओर मेरा इस बारे में आकलन ये है कि बीजेपी के बारे में पश्चिम बंगाल के लोगों की जो ओपिनियन बनी है, जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रति माहौल नज़र आ रहा है, उसकी प्रमुख वजह तो ये है कि बीजेपी ने पिछले कुछ समय से वहाँ पर माहौल बनाया है। वहाँ पर इनके संगठन ने, कैडर ने मेहनत की है, गली गली में जाकर प्रदर्शन किए हैं, धरने दिए हैं, लोगों की समस्याओं को उठाया है, ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज़ किया है, जगह जगह पर उनकी खिलाफ़ धरने प्रदर्शन निकाले गए हैं और कई मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेरा गया है। तो अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं भी आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इसमें कोई ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अब तक जितना भी सारा माहौल बीजेपी ने बनाया है वो तो बिना शुभेंदु अधिकारी के आने के ही बन गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में और इस विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का फ़र्क है। पिछले विधानसभा में बीजेपी के 18 विधायक थे और इस बार बीजेपी 200 विधायक जीतने की कोशिश कर रही है।
इससे पहले बीजेपी के 18 सांसद बने थे लोकसभा चुनाव में 2019 के। तो बीजेपी के बारे में तो माहौल अपने आप ही बन रहा है, उसे शुभेंदु अधिकारी की रहमो करम पर रहने की ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल स्थिति ये बन रही है कि बीजेपी अपने कैडर को अगर सही तरीके से संभाल ले, और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आते हैं या फिर बिल्कुल चुनाव के समय में उनकी एंट्री होती है, तो इसे लेकर बीजेपी का जो मेन कैडर है, जो कई साल से वहाँ काम कर रहा है, विपरीत परिस्थितियों में जो संघर्ष कर रहा है, उसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। वो भी ये सोच रहा होगा कि ये यार टीएमसी वाले आदमी, जिन लोगों के खिलाफ़ हम 4-5 साल से बवाल मचा रहे हैं, वहाँ के लोग पार्टी छोड़ के आए और हमारे में बड़े नेता बन गए आकर, तो इसका भी एक निगेटिव प्रभाव जाता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के बिना भी चुनाव में जाएगी 2021 के, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छी खासी पोजीशन में वो आ सकती है। बहरहाल फिलहाल तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर लेटेस्ट खबर है कि वो मान गए हैं, उन्हें टीएमसी के नेताओं ने मना लिया है, लेकिन इसकी पुष्टि तभी होगी, ये तभी सही माना जाएगा जब शुभेंदु अधिकारी फिर से कैबिनेट मंत्री बन जाएं, या फिर उन्हें कोई ऐसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दे दिया जाए जिससे लगे कि हाँ शुभेंदु अधिकारी को अब वैल्यू दी जा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार में। बहरहाल ममता बनर्जी ने ये अगर कदम उठाया है तो ये एक बड़े नेता की पहचान है कि ममता बनर्जी बहुत गहरी राजनीतिज्ञ हैं, और अगर नाक की लड़ाई के लिए आप अपने किसी पुराने कार्यकर्ता की उपेक्षा करते हैं तो उसका नुकसान आपको उठाना ही पड़ता है, और ममता बनर्जी ने ये बहुत समय रहते रियलाइज़ कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, अभी 5-6 महीने 7 महीने बाद चुनाव होने हैं, लगभग आधा साल बाकी है, इतने में सारी चीज़ें माहौल सुधर सकता है। फिलहाल खबर यही है कि शुभेंदु अधिकारी किसको मनाने की कोशिश की गई है, और सुनने में आ रहा है कि वो मान भी गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको लेकर आता रहूँगा। आप देखते रहिए अर्ज की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।